मुल्क पर तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत मुसल्लत है, हर दो नंबर आदमी वजीर या मुशीर बना हुआ है। महंगाई आसमान से बातें करने लगी, चीनी की कीमत 110 रुपए तक जा पहुंची। क्या ऐसे मुल्क चलता है? नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार पर वार, कहा हम पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन दो साल से किसी हुकूमती शख्सियत के खिलाफ इंक्वायरी नहीं की गई। हम नैब से घबराते हैं ना ही डरने वाले हैं। आज जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत मौजूद है, जो हर रोज अवाम पर एक नया डाका डालती है, हर दो नंबर आदमी आज वजीर और मुशीर बना हुआ है। आज 53 रुपए की चीनी 110 रुपए में बिक रही है, 250 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम की जेब से जा चुका है। इस हुकूमत की हकीकत और इमरान खान की हकीकत का अंदाजा हो सके कि आज जब पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में शिकार हैं, तो हुकूमत जो है वो सिर्फ अपोजिशन को शिकार करने पर मसरूफ है, उसके पास कोई और काम नहीं है। आज आप देख लें कि दो साल में किसी हुकूमती शख्स पर कोई इंक्वायरी भी नहीं की गई, इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, रेफरेंस नहीं बन सका, लेकिन अपोजिशन के मेंबरान को हर हफ्ते बुलाकर उनकी हत्या की जाती है, अखबारों में दिया जाता है। ना हम नैब से घबराते हैं, ना हम नैब से डरते हैं।